एक नेपाली जोड़ा जो एक चंगा पढ़िया लिखिया है अते इत्थों तक कि इन्हां विचों एक ने सरकारी नौकरी भी 2.5 साल की पर अपना चंगा भविख नहीं बना सके। बटाला दे सिनेमा रोड विखे जोड़ा जो कि किराए की दुकान लैके फास्ट फूड का काम कर रहा है अते मेहनत करके नौकरी नालों चंगी कमाई कर रहा है। यह जोड़ा उन्हां नौजवानों नूं सेध दे रहा है जो पढ़ लिख के वड्डियां नौकरियां की भाल विच अपना जीवन खराब कर देंदे हन अते अंत विच विदेश चले जाते हैं। गलबात दीपक ने दस्या कि उसने वकालत दे नाल नाल होटल मैनेजमेंट दा डिप्लोमा भी कीता होया है अते उसने 2.5 साल सरकारी स्कूल विच अध्यापक दी नौकरी भी कीती होई है पर वो इस काम तो खुश नहीं सी अते अपना खुद दा काम करना चाहुंदा सी। पत्नी शाहिस्ता ने दस्या कि उसने BBA दे नाल मेडिकल दा डिप्लोमा कीता होया है पर नौकरी ना मिलन दे कारण उसने अपने पति नाल काम करवाउणा शुरू कर दिता। उसने दस्या कि दुकान दे नाल नाल वो अपने 2.5 साल दे बच्चे नूं भी संभालदी है। मैं एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चला रहा हूँ बटाले में और इस बिजनेस को करते हुए मुझे लगभग 1 साल हो रहा है और मैं लोगों को हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके चलते लोगों में अच्छा खासा मेरा नाम बन चुका है। लोग इस हेल्दी फूड को खाने के लिए आते हैं और मुझे खुशी है कि अब मैं अपने प्रोफेशन से खुश हूँ और मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने मन की बात सुनिए। जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद इस बिज़नेस को चुना, इस प्रोफेशन को चुना और इस प्रोफेशन में मैं लोगों को साथ खुशियाँ भी बांट रहा हूँ। मैंने BA LLB किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने होटल मैनेजमेंट भी किया, मैंने नेपाल से LLB किया, इसके बावजूद मैं इस प्रोफेशन में हूँ यानी कि अपने रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा रुझान इस तरफ में था, मेरा रुझान फूड में था, फूड लाइन में आने का था और मैं आज इस प्रोफेशन में आगे खुश हूँ और काफ़ी अच्छा खासा कमा रहा हूँ जिससे मेरी घर गुजारा अच्छा से हो जा पा रहा है। जी हाँ, मेरे इस बिज़नेस में आने से पहले मेरे बड़े भाई साहब BSNL में जॉब कर रहे हैं, मेरे सिस्टर PWD में है, मेरी भी सरकारी नौकरी लगी थी, मैं 2.5 साल में टीचिंग किया, उसके बाद मैं नौकरी छोड़ के फिर इसमें फूड लाइन में आ गया। मैं नौकरी छोड़ने के पीछे मेरा यही कारण था कि मेरा रुझान फूड लाइन की तरफ में था, मेरा इंटरेस्ट फूड में था, इसके चलते मैं फूड लाइन को मैंने चुना। बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाता है, गुजारे के साथ साथ मैं अपने सेविंग कर पा रहा हूँ ताकि आने वाले बच्चे के लिए भविष्य के लिए कुछ कर पाऊँ। मैंने BBA किया है और केमिकल की पढ़ाई की है। अब हस्बैंड के साथ में कोई था नहीं करने के लिए तो साथ में करने लगे, सारा कुछ मैनेज हो ही जाता है, छोटा बच्चा है, करना पड़ता है थोड़ा उसको भी मैनेज और इधर भी मैनेज करना पड़ता है, दोनों मैनेज हो जाती है। नौकरी के लिए मैंने सोचा ही नहीं कभी, बिज़नेस के लिए सोचा था लेकिन फूड बिज़नेस नहीं था, कुछ और बिज़नेस के लिए मैंने सोचा था जो मैंने पढ़ाई किया है, लेकिन उसको छोड़ के फिर मैंने सोचा कि जब हस्बैंड साथ में कर रहे हैं फूड का और कोई है नहीं हेल्प करने के लिए तो मैंने सोचा कि मैं ही चलूँ साथ में। नहीं, कभी भी नहीं हुई ऐसा, ये तो हमारा प्रोफेशन ऐसा हो ही गया है तो इसमें शर्म कैसे करें। गुरदासपुर तो लापरत खुशीपुर की रिपोर्ट। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to affect positive change around them.